वेलकम। मैं न्यू व्लॉग, आज है सैटरडे। आज मैंने लिया था अपना ऑफिस से वीक ऑफ, क्योंकि आज है हमारे बड़े पापा के घर पे थोड़ा फंक्शन, 11वीं की दावत, तो हम वहीं जाने वाले हैं। तो आप बने रहिए इसका व्लॉग पे, आपको दिखाते हैं क्या क्या हो रहा है वहाँ पर और क्या बनेगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं। मैं पहुँच चुका हूँ अभी यहाँ पर, आपको बताते हैं आगे क्या क्या चल रहा है, तैयारी चल रही है। इसमें आ चुका हूँ अपने बड़े पापा के घर पर, यह आया हुआ सामान डे वेक का शाम को खाना बनने के लिए। अभी तुम्हारा भाई बनाएगा, तुम्हारा भाई प्रोफेशनल भटियारा भी है, तो यहाँ से फ्री होने के बाद हम बनाएंगे खाना। आ चुके हैं शाम को लोगों के बैठने के लिए, और यह टेबल है, इसमें बैठ के खाना खिलाएंगे हम यहाँ पर। टेबल है और यह कुर्सी, और ये ऊपर बन चुका है टेंट, क्योंकि हल्की हल्की ठंड पड़ने लगी है, इसलिए टेंट बनवा दिया हमने। और यह है हमारा घर। आ चुके हैं, ये लग रहा है तंदूर शाम के लिए। गाइस ये देखिए, हमारा काम करते हुए बंदे 500 रुपये में रखा मजदूरी पे बंदे को। गाइस हम चटाई लेकर आए हैं अंदर बिछाने के लिए, अब हम चटाई बिछाएंगे। इसको 500 रुपये में रखा हमने मजदूरी में, और यहाँ अभी सामान काम हम चल रहा है, खाना बन रहा है बाहर, आपको ब्लॉग में दिखाएंगे, आपको ब्लॉग में दिखाएंगे शूट करके हम कि क्या क्या बन रहा है आज। और बने रहिए गाइस, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, फटाफट जाइए मेरे ब्लॉग को शेयर करिए फटाफट, 2000 सब्सक्राइब कराइए जल्द से जल्द, बहुत अच्छा ब्लॉग होने वाला है ये। आप इस ब्लॉग को पूरा देखिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गाइस ये देखो यहाँ के मजदूर, इसको आज हमने 500 रुपये में रख लिया है यहाँ पर मजदूरी के लिए। और ये है कम्बर वाली, कबाड़ी हुई कबाड़ी कम्बर है जी। जाओ वहाँ देखे आओ नमक।
गाइस ये हम कर चुके हैं यहाँ पर प्रिपरेशन पूरी, हमारे साइड से पूरी तैयारी हो चुकी है, बस अब खाने के लिए हड्डियाँ खाएंगे। ये मजदूर, ये नया ब्लॉगर, ब्लॉगर हाँ मिस्टर ब्लॉगर, और ये है कंबल अली। काम के बाद अब चाय, चाय तो मिलना जरूरी है गाइस, बिना चाय के काम नहीं हो पाता है। अदान चेयर्स हालत देख ही सकते हो कैसी हालत हो रही है। चाय आई है मेरे लिए, चाय पी रहा हूँ मैं। शकल देखिए यहाँ पर चल रहा है घड़ी का कलेक्शन। आप बताइए आपको कौन सी घड़ी, आपको कौन सी घड़ी अच्छी लगी। ये है एप्पल, ये है फायर बोल्ट। ठीक है गाइस, मैं भी आ चुका हूँ घर पे, सारा काम करा करूँ के वहाँ पर, और अभी मैं घर पे आया हूँ तैयार होने के लिए। तैयार होके अपन निकलते हैं वापस से वहीं पर ही, और जाकर आपके अपडेट करते हैं। ठीक है गाइस, बने रहे इस ब्लॉग के अंदर। घर वाले सब जगह जा चुके हैं वहाँ पर, वो दिन में ही चले गए थे, मैं तैयार होने के लिए वापस आया हूँ यहाँ पर। ठीक है गाइस, ठीक है गाइस, मैं हो चुका हूँ रेडी जाने के लिए, और ये मैंने पहना है अभी सलवार कमीज। अब चलते हैं अपन वापस से बड़े पापा के घर पे, क्योंकि फंक्शन वहीं पर ही है, तो मैं वहीं जाऊँ। ठीक है गाइस, चलते हैं। ये रहा मेरा पूरा आउटफिट, मैं फिर से आ चुका हूँ यहाँ पर रेडी होके, जहाँ है फंक्शन अभी 11वीं शरीफ का, तो वहीं पहुँच चुका हूँ मैं अभी, तैयार हो चुका हूँ। ये मेरा आउटफिट है, ये है मिस्टर सेकंड ब्लॉगर अजान। अजान कैसा लग रहा था यार, यार होके बिल्कुल बढ़िया, एक नंबर भैया। घड़ी दिखा दो आपके, ये इसने घड़ी मंगाई है। नहीं हाँ मैं शायद गुरा लग रहा हूँ, बट क्या करें, इसने कितनी क्रीम लगा ली। ठीक है गाइस, ये एक और छोटा ब्लॉगर, इसका चैनल चला गया, पता नहीं कैसे गया, इसने क्या करा चैनल। गाइस उसके बाद तो फातिहा का टाइम हो गया था, तो फातिहा लगना स्टार्ट हो गई थी, तो हम वहीं बैठे हुए थे। सब मेहमानों ने जाना चालू कर दिया है भाई, काफी ज्यादा थक गए हम। तीन घंटे हुए कंटिन्यू खाना खिलाते हुए, तीन घंटे से कैसे खाना खिलाया जा रहा है। हमने 7 बजे स्टार्ट कर दिया था, साढ़े छः पे स्टार्ट कर दिया था, साढ़े नौ भाई प्लीज मोहसिन भाई के अपने 2000 सब्सक्राइबर कम्प्लीट करवा दो, हमारे चैनल पर भी प्यार और सपोर्ट बनाओ। तो ओके गाइज बाय।
ठीक है गाइस, ख़त्म हो चुका है प्रोग्राम पूरा। जी देखिए अब हालत है, ये हालत है अभी की, फिनिश करवा चुके हैं हम पूरा। ये देखिए ये अजान भाई, आज अजान कैसी हालत हो चुकी है आपकी? कैसे? गुड मॉर्निंग, आज हो गया सेकंड डे, ये वॉक मैंने कंटिन्यू कर रखा है। आज है संडे, संडे को वीक ऑफ रहता है जैसे आपको पता ही है। कल मैंने लास्ट उसके बाद शूट नहीं किया था क्योंकि हम थक गए थे कुछ ज़्यादा, फिर घर आए, घर आके सोने सो गए। तो अभी उठाया है फ़ोन और अभी सुबह की 9 बज रही, तो मैं अभी निकल रहा हूँ थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए। तो आपको पता है आगे बने रहे इस ब्लॉग के अंदर गाइस। उसके बाद गया मैं अपने हेयर कट करवाने और शेव करवाने, ये है फ्लेक्स। वहाँ से फिर होने के बाद मैं निकला डी मार्ट की साइड, डी मार्ट गया, वहाँ कुछ सामान लेना था, सामान वामान ले के फिर मैं वहाँ से भी निकला गाइस। अच्छा था, कुछ शूट नहीं करा है, बट थोड़ा बहुत ही काम किया था, उस रेस्ट किया था। उसके बाद मैं निकला शाम के टाइम शूज़ लेने के लिए अपने गाइस। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।